हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के निजी आवास होली लॉज में आने से आए ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता परसराम के लिए टिकट की मांग की है। आने से होली लॉज पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नम आंखों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से परसराम को टिकट देने की मांग की है। आनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शिमला पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साल 2017 के चुनाव में भी परसराम को टिकट देने में देरी की गई थी। उन्हें प्रचार करने के लिए केवल 9 दिन का समय ही मिला था। ऐसे में पार्टी को परसराम को सही समय पर टिकट दे देनी चाहिए ताकि वह घर घर जाकर प्रचार कर सके। आनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि वह हर हाल में पार्टी की सीट पार्टी की झोली में डालेंगे। वो मैं तो स्वाभाविक था, जिस तरह का पिछले चुनावों में मुझे लोगों का प्यार मिला, अभी भी मुझे वैसे ही, अभी लोग दूर दूर से आए। और मैं तो पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, लेकिन अपने पैसे से लोग यहाँ आए। मुझे देख कर, यहाँ जब देख रहा था मैं, लोग बहुत तादाद में लोग आए और हर बूथ से कवरेज है। और मैं तो आशीर्वाद लेने रानी साहिबा के पास आया, और पूरब में भी इनका आशीर्वाद रहा है और आगे भी राजा साहब का भी आशीर्वाद रहा है। भविष्य में भी कामना करता हूँ और इनके आशीर्वाद से जीत करके, भारी मतों से जीत करके आऊँगा, इनके चरणों में आऊँगा। और ये हमारा लोगों ने वो कमिटमेंट किया है और मेरा भी इनके साथ वो फायदा है और जीत करके कांग्रेस की सरकार बनेगी, पता लग जाएगा। उसके बारे में भी मंथन किया जा रहा है कि कौन कब आएगा, उसका जब टाइम आएगा तो उनको मैदान में उतारेंगे और वो आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार के लिए काम करेंगे। भाजपा लगातार हमला बोल रही है कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर। उनका कहना ये है कि जो कांग्रेस है उन्हें भारत जोड़ने की जगह अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए जो काम है सबसे पहले वो करना ठीक है। वो अपनी पार्टी की जो बात है ना उस तक सीमित रहे। हमने क्या करना है क्या नहीं करना, दैट आवर लीडर्स हैव टू सी। हमारे जो शीर्ष नेता है वो देखेंगे कि हमने भारत जोड़ो करने है या कोई और उसको नाम देना है। तो सभी ने ये ठीक समझा होगा, और राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत साउथ से की है। वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भाजपा का नेतृत्व है केंद्र में, उसके खिलाफ लोग हैं, उनकी आवाज़ को एकजुट करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम हर क्षेत्र में पैदल जाकर लोगों से डायरेक्ट संपर्क बनाएंगे ताकि लोगों की आवाज़ को भी हम सुने और लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी मंथन किया जाएगा। हिमाचल को भी मैम इसमें नहीं जोड़ा गया, इस तरह की भी जो बातचीत है जो आरोप उनकी यात्रा ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जोड़ा नहीं गया, बट वो यात्रा जैसे बनाई है उसके मुताबिक चल रही है। ऑब्वियसली जब वो पठानकोट तक पहुंचेंगे तो साथ में ही हिमाचल प्रदेश का इलाका भी है, तो उसमें भी उनकी यात्रा होगी और वहाँ पर भी हमारे शीर्ष नेता पहुँचेंगे और वो भी इस यात्रा में जुड़कर अपने भाव उनके सामने रखकर ये आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती दिलाने का काम करेंगे।